ताजिर को इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, कोई खूबसूरत हीरो जो है वो आकर बागडोर संभाले। सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा हाजी सुल्तान राही का, उसके नाम की तालियां होनी चाहिए। वो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। 25 बरस गुजरने के बावजूद मैं जब कभी उनकी बरसी पर जाता हूँ तो सैकड़ों लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से उस बरसी में शामिल होने के लिए आते हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, इंसान है या फरिश्ते हैं, या दूसरे दिन कोई किसी को याद नहीं करता। तो फन के सुल्तान थे सुल्तान राही, और फन का शहजादा है उनका साहबजादा हैदर सुल्तान। उसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाए, इस्तकबाल कीजिए हैदर सुल्तान। हीरो का इस्तकबाल इस तरह से करते हैं यार, तरफ मिलके। जी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया का, दोस्तों का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। पहली बात तो ये है कि मुझे के हवाले से तो दाना जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत क्लोज कैरेक्टर्स भी रहे हैं, और मेरे तो बहुत काबिल एहतराम हैं, बड़ों की तरह मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। सेट्स पर बहुत दफ़ा मुलाकात हुई छोटे होते हुए और लेकिन इत्तेफाक ही कभी हुआ करते काम करने का, लेकिन देखिए शायद इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कभी इकट्ठा काम भी करेंगे। पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि लेजेंड्स जो उनसे हैं वो हमारे इंडस्ट्री में अल्लाह ताला की रहमत से भी तो बहुत सारे मौजूद हैं, जिनमें से माशाल्लाह एक दुलाना जी भी हैं, और हमारे बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला की ज़िंदगी से इतने ऐसे कामयाब रखें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको ऑनर करना चाहिए, बिकॉज दे डिज़र्व इट। इतना काम, इतनी लेगेसी पीछे उनके हैं, माशाल्लाह दे डिज़र्व इट। ब्लू भाई बैठे हुए हैं और भी ऐसे माशाल्लाह हमारे लिविंग लेजेंड्स बहुत सारे मौजूद हैं। सो वंस अगेन सोना से कंग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो आपको आज के लिए, और तमाम मीडिया के फ्रेंड्स का शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए और ये पूरी महफिल लगाने के लिए। थैंक यू सो मच, और दोबारा भी जल्दी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। सुल्तान राही साहब जब किसी शो में आया करते थे तो कोई ना कोई अपना डायलॉग जरूर सुनाया करते थे। तो जी सुनना चाहेंगे तो सुल्तान से डायलॉग, तो कोई डायलॉग चाहे सुल्तान राही साहब का हो जाए, उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। जी ये मुझसे अक्सर कहा जाता है और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि उनके जैसा तो मैं नहीं बोल सकता, माशाल्लाह का तो वोकल एक और लेवल पे था, लेकिन उनके चंद जो माशाल्लाह फेमस जुमले हैं जो डायलॉग हैं उसमें से मैं कल आपको सुना देता हूँ, जो नॉर्मली आई थिंक बशीरा साहब ने बहुत ज़्यादा पसंद की हुई है। उसका जो टिपिकल डायलॉग है एंड पे जो चौधरी के सामने बोलते हैं, सर आपकी इजाज़त से बड़ों की इजाज़त। ढोली तो हर चुगले झूठे चौधरिया जिना पैणा दे वीर जुंदे होण उना दी ढोली नु ते मौत भी नहीं टक सकती। मुस्कुराहट टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।